नमस्कार प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और कल अष्टमी रहेगी, परसों नवमी है। माँ जगदम्बा के भक्त दुर्गा स्वरूप में अष्टमी और नवमी के दिन कंजकों को भोजन कराते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं कि माँ जगदम्बा हमसे प्रसन्न हो और दे हमें मनचाहा वरदान। किंतु इन कन्याओं को भोजन कराते समय अनजाने वश में वो कौन सी पांच गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, यही जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं। अन्यथा अनजान वश हमारे से ही हो जाती है कुछ गलतियां और नहीं मिल पाता माँ जगदम्बा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद। पहले स्वरूप में जो पांच स्थितियां आपको कंजकों को भोजन कराते समय ध्यान रखना चाहिए, पहली स्थिति में जिन नौ कन्याओं को आप भोजन करा रहे हैं इनकी आयु 8 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर 8 वर्ष से ज्यादा आयु की भी कोई कन्या होती है आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, किंतु 9 कन्याओं के अंदर उनको काउंट ना करें, इस स्थिति का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी स्थिति में कन्याएं जब आपके घर में प्रवेश करती है तो इनका साक्षात दुर्गा स्वरूप में आपको आदर सम्मान करना चाहिए। कई बार हमको देखने को मिलता है छोटी कन्या समझकर अपने बच्चों जैसा बिहेव हम उनके साथ करते हैं और आदर सम्मान की स्थिति का योग नहीं बनता। जबकि आपके घर में कल अगर आपके अष्टमी का पूजन होता है या नवमी का पूजन होता है, जब भी आप कन्याओं को भोजन कराते हैं उस दिन साक्षात इन्हें बच्चे नहीं दुर्गा का स्वरूप, दुर्गा के आशीर्वाद स्वरूप की स्थिति का भाव आपके मन में होना चाहिए। आपके घर में प्रवेश हो एक पराती के अंदर इनके चरण पादुका धो लें, उस जल को पूरे घर में प्रोक्षण करें, इनके चरण स्पर्श करना, इनका आशीर्वाद अपने मस्तक पर रखवाना। इस स्थिति के चलते आपको साक्षात जगदम्बा का मिलता है आशीर्वाद। तीसरी स्थिति के अंदर जो आप माता के भोग लगाते हैं उसमें शीरा पूड़ी हलवा जो भी आप माता जी के भोग लगाते हैं, पहली अवस्था में भोग के अंदर खटाई का प्रयोजन, लहसुन प्याज तो खैर कोई नहीं डालते हैं किंतु खटाई का प्रयोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी स्थिति में जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं उस भोजन को जो माताजी के लिए आपने प्रसाद बनाया है वही प्रसाद कन्याओं को जिमाना होता है, भोजन कराना होता है। आजकल के एक नई प्रथा चल चुकी है, बहुत से लोग, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने किया हो कि हमने अष्टमी या नवमी के दिन जिस दिन कन्या हमारे घर आई हमने उनको मैगी खिला दी, पास्ता खिला दिया, चाउमीन खिला दिया, ऐसा प्रयोजन नहीं करना होता। ये साक्षात जगदम्बा का स्वरूप आपके घर में आया है, चाहे वो शीरा पूड़ी चने का एक एक ग्रास ही आपके हाथ से खा ले या खुद से खा ले, किंतु ये चाउमीन पिज्जा पास्ता कल के दिन जब अष्टमी और नवमी का आपके घर में पूजन हो रहा है यहाँ नियमबद्धता रखना आपके लिए आवश्यक होता है। इस स्थिति को आपको चाउमीन पास्ता पिज्जा कभी भी खिलाना है, उन्हें अन्य दिनों में कभी भी बुलाकर आप खिलाएं, किंतु अष्टमी और नवमी के समय में नियमबद्धता का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ये चाउमीन पिज्जा पास्ता ये बिल्कुल भी अष्टमी और नवमी में कन्याओं को कंजक स्वरूप में बिल्कुल नहीं खिलाना होता। 9 कन्याओं के साथ में एक छोटे बालक को भी भैरव स्वरूप का ध्यान करते हुए एक बालक को भी भोजन कराएं, यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ में एक अवस्था जो हम और गलती स्वरूप में कर बैठते हैं, कन्याओं को बहुत से लोगों ने देखा, आपने देखा होगा कन्याओं को भोजन कराकर कुछ दक्षिणा और फल हम दे देते हैं, केला दे दिया, अनार दे दी, सेब दे दी। दक्षिणा आप दे सकते हैं, कोई भी उपहार आप दे सकते हैं, किंतु फल आपको नहीं देना चाहिए कन्याओं को भोजन कराकर। कन्याओं को भोजन आप करा रहे हैं फल प्राप्त करने हेतु, ना कि फल देने हेतु। ऐसी स्थिति में आपको जो कन्याओं को उपहार देना होता है वो कुछ ऐसा उपहार दें जो काफी लंबे समय तक उनके साथ बना रहे, शिक्षा से संबंधित कुछ दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, जो भी आपके लिए उचित अवस्था हो ऐसा उपहार दें जिसे बार बार वो यूज करे और लंबे समय तक करे, तो ये बहुत अच्छा योग रहता है। किंतु फल आपको उनको भोजन कराकर प्राप्त करना है, फल देना नहीं है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। एक अवस्था यहां मैं आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, जब कन्याएं आपके घर में भोजन कर लें, एक बार
महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप के अंदर ध्यान करते हुए इनको अपने पूरे घर में विचरण कराइए, अर्थात पूरे घर में इनको घुमाकर प्रणाम कर फिर इनको विदाई दीजिए। और इस प्रकार का ध्यान करते हुए कि माँ जगदम्बा कन्या स्वरूप में, क्योंकि जो छोटी कन्याएं होती हैं ये नवरात्रि में दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, तो इन कन्याओं को इस प्रकार का ध्यान करें कि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्म शक्ति का आज हमारे घर में पधारी हैं और हमारे घर में पूरे घर में संचरण किया है, इनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। इस स्थिति से जब आप कन्या पूजन करते हैं तो शत प्रतिशत जगदम्बा का मिलता है आपको आशीर्वाद और पूर्ण वर्ष बनी रहती है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्म शक्ति का राजराजेश्वरी की कृपा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।